त्रिपाठी जी कुछ अभी बता दीजिए, आपने कहा ना कुंडली। हाँ, हाँ, उस दिन वाला कुंडलनी वाला, बिकॉज वी आर इन डूइंग। हाँ ओके, ही इज गोइंग टू टॉक ऑन कुंडलनी। दिस इज रिकॉर्डिंग। हाउ सो यू अनाउंस? दिस इज डॉक्टर त्रिपाठी जी एंड ही इज गोइंग टू डिस्कसिंग कुंडलनी। जो भारतीय योग विद्या है, भारतीय योग है, वो हमारे मनीषियों की, ऋषियों की देन है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। ये दोनों का जो द्वंद्वात्मक संबंध है, जो परस्पर एक दूसरे का संबंध है पिंड और ब्रह्मांड का, तो इसी को जोड़ने का काम करती है कुंडलिनी। कुंडलिनी की संकल्पना हमारे यहाँ शरीर के मूलाधार, मूलाधार के ठीक नीचे सर्पाकार स्थिति में सर्पाकार होकर कुंडलिनी विराजमान है। कुंडलिनी की संकल्पना सर्पाकार की गई है, और वह सर्पाकार जब योगी बराबर उसको योगाभ्यास के द्वारा मूलाधार को बार बार जो है वो पृष्ठ भाग में ले जाता है, और जिसको उद्यान बंध कहते हैं। और उद्यान बंध क्या है कि उद्यान हिसा बंध हो मृत्यु आतंग के शरीर, उद्यान बंध वह बंध है जो मृत्यु पर ठीक उसी प्रकार से झपट्टा मारती है जिस प्रकार से शेर हाथी पर झपट्टा मारता है। अर्थात योगी जब बार बार, जब सांभवी मुद्रा में बार बार जो अपने मूलाधार को प्रेस करता है और पृष्ठ भाग में ले जाता है, तो उससे एक प्रकार की जो ऊर्जा पैदा होती है वो ऊर्जा कुंडलिनी के रूप में, जो कुंडलिनी सर्पेंटाइन जो सर्पाकार में स्थित है, वो परिवर्तित होकर के वो ऊर्ध्वगामी होती है, और ऊर्ध्वगामी होकर के खट चक्र का भेदन करती है, छह चक्रों का भेदन करती है, और सीधे जो विशुद्ध चक्र अनाहत तात कंठ चक्र को ऊपर निकलती हुई, उससे वो सीधे सहस्त्रार को जाती है, और सहस्त्रार में उल्टा होकर के वो स्थिर हो जाती है, और वही जो साधक है वो सब कुछ उसको दृष्टिगत होने लगता है। वो यही वो ही स्थिति होती है जबकि यत प्राप्य प्रतिमां चक्षुः योगी पश्यन्ति सर्वतः, जबकि योगी संपूर्ण जो ज्ञान चक्षु है उन ज्ञान चक्षु के माध्यम से वो संपूर्ण सृष्टि को, कहीं भी कोई उसके लिए कोई दूरी नहीं रह सकती है, वो अपने मन के माध्यम से, जो अपने अंतर ज्ञान अंतर चक्षु के माध्यम से, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से वो जहाँ चाहता है वहाँ ब्रह्मांड में विचरण करता रहता है। ऐसी जो योगी की जो कुंडलिनी है वो जागृत अवस्था में होती है, तो कुछ भी करने में सामर्थ्य होता है योगी। एक जो वैज्ञानिक पद्धति है, उस वैज्ञानिक पद्धति में जो वायु तत्व है, हमारा यह शरीर पंचभूत तत्वों से बना हुआ है, जिसमें सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता है। यह सतोगुण रजोगुण और तमोगुण ही संपूर्ण शरीर को, संपूर्ण इंद्रियों को नियंत्रित करता है। यह जब वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व और ये जो पंचभूत तत्व है, जब ये परस्पर समभाव में होते हैं, तब यह सामान्य जो विशिष्ट स्थिति है शरीर की होती है। अगर इनमें विकार पैदा होता है तो यह स्थिति बिगड़ जाती है। यह जो मूलाधार है, मूलाधार केंद्र है, और इस केंद्र से, शरीर के केंद्र भाग से एक वायु तत्व है जो सर्पाकार स्थिति में रहता है। ऐसा कोई नर्वस सिस्टम जैसी कोई ऐसी चीज मुझे नहीं लगती है। यह वायु तत्व है जो सर्पाकार रहता है, और जब बार बार उसे घर्षण किया जाता है जो सांभवी मुद्रा के माध्यम से, तो वह वायु तत्व
वह वायु जो सर्पाकार स्थित में है वो सीधी हो जाती है और कहते हैं कुंडलनी फुफकारती हुई ऊपर से बड़ी गति के साथ में तेजी के साथ में उठती है, तभी वो खट चक्रों का भेदन करती है और सहस्त्रार तक पहुंचती है। सहस्त्रार अग्नि तत्व है, ये वायु तत्व जब संपूर्ण पांच तत्वों को भेदन करते हुए और छठे तत्व में सहस्त्रार अग्नि तत्व में पहुंचता है तो एक आंधी सी आती है और एक जो ज्ञान का जो संपूर्ण वैभव है वो हमें दृष्टिगत होता है और वहीं साधक साधना की पूर्णता को प्राप्त करता है, ऐसी ये कुंडलिनी की स्थिति है। तो इस योग तत्व को योगी के समझने के लिए, क्योंकि बहुत ही कठिन काम है, दुर्लभो विषयस्त्यागः दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभो सहजावस्था सद्गुरोर करुणा बिना, बहुत कठिन है विषयों का त्याग करना, कामना का त्याग करना और फिर दुर्लभम तत्वदर्शनम तत्व का दर्शन करना बहुत कठिन है और तत्व का दर्शन भी कर लिया तो सहजावस्था बहुत कठिन है और जब सहजावस्था प्राप्त कर लेता है मनुष्य तो एक समाधि की स्थिति में पहुंचता है और सहज समाधि भली, और कबीर की जो पंक्तियां हैं कि साधो सहज समाधि भली, कि हे साधो ये जो सहज स्थिति है सहज समाधि है ये संपूर्ण ज्ञान की राशि है, यही साधना की राशि है, यही कुंडलिनी तत्व का रहस्य है। वाह प्रणाम, थैंक यू डॉक्टर त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी थोड़ा इंग्लिश में बोल देंगे? ये त्रिपाठी जी ये जो है ना वेबसाइट पे जाएगा आपके, ये तो वेबसाइट पे चला जाएगा, थोड़ा सा ना इंग्लिश में भी बोल दीजिए। ठीक है अभी एक एक करके इंग्लिश में बोल दूंगा मैं। स्वामी जी व्हाट वी विल डू इज सिंस वी हैव द कैमरास I'll turn it on. अभी जल्दी मैं बोल देता हूँ, थोड़ा सा व्हेन ही स्टार्ट्स वी कैन स्विच।